हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और फिर से आप लोग के लिए मैं एक एमसीक्यू लेके आया हूँ जनरल स्टडीज का, आपके आने वाले आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है। जैसे कि इसमें आंसर आप देख रहे होंगे, जो ऑप्शन है आपके सामने, ए आपका बुदान हिल्स हो गया, बी आपका गारो हिल्स हो गया, सी खासी हिल्स हो गया, डी जैंतिया हिल्स हो गया, और ई आंसर है नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। आजकल इस तरीके के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ये इस बार बिहार पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। चलिए, आप लोगों ने आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों, वो है आपका बुदान हिल्स। बुदान हिल्स जो है वो मेघालय का प्लेटू का पार्ट नहीं है। आपके गारो खासी जयंतिया जो है वो तीनों के तीनों जो है वो किसके पार्ट हैं, आपके मेघालय प्लेटू के प्लांट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर आप मैप रीडिंग अच्छी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। क्या वेस्ट बंगाल शेयर बाउंड्रीज विद हाउ मेनी कंट्रीज। ठीक है, आपको बताना है कि जो वेस्ट बंगाल है कितने कंट्रीज के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। बहुत आराम से सोचिएगा, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। चलिए, तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा इसका। इसका जो आंसर है बच्चों, वो है आपका क्या, डी। तीन देशों के साथ जो है आपका वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर करता है। इसको आप मैप में जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा और थोड़ा सा विजुअल और इमेज आपको दिमाग में छप जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, थर्ड क्वेश्चन। इंडिया इज द लार्जेस्ट डैश कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है, एरिया वाइज आपको बताना है इंडिया जो है कौन से पोजीशन पे है। क्या वो आपकी सेवेंथ है, सिक्स्थ है, एट्थ है या सेकंड है, एरिया वाइज बात हो रही है। चलिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर है सेवेंथ, हम लोग जो है वो सेवेंथ है एरिया वाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग आराम से, बढ़िया क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ दो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये वेस्टर्न घाट के बाद शुरू होते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। पहले स्टेटमेंट पढ़िएगा, इट इज अ नैरो बेल्ट। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, ये आपका इंडिया, हमारा साउथ इंडिया हो गया। यहाँ पे ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका ईस्टर्न घाट है, और ये जो आपका पट्टी है इसी को क्या बोला गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज अ नैरो बेल्ट, इट एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, इट प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, इट हैज वेल डेवलप्ड डेल्टा। चलिए, आप लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे। इसका आंसर जो है बच्चों, वो है वन एंड टू। ठीक है, यानी कि इट इज अ नैरो बेल्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज कोस्टल प्लेन, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पोर्ट डेवलप नहीं हो सकते और ना ही यहाँ कोई डेल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारी लैंड बाउंड्री आपको बतानी है। चलिए, आप लोग आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों, वो है 15
15,200 किलोमीटर, ये क्या है, हमारी लैंड बाउंड्री है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज, इनमें से पटकाई हिल्स किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। चलिए भाई इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, पूर्वांचल। तो पटकाई हिल्स जो है वो किसका पार्ट है, पूर्वांचल रेंज का पार्ट है। मैंने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स तैयार कर रखा है, वीडियो लेक्चर्स और प्लस पीडीएफ, आप वहां से कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं आरओ आरओ के लिए। ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्सेज में कवर अप कर रखी। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ विच सिटी, आपको ये बताना है। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका मिर्जापुर। तो उम्मीद है आप लोग के 7 में से 5+ में क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप आर आर ओ का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप UKPSC के लिए करना चाहते हैं या UPSC के लिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरे ऐप का, वहां से कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं।